गाइस अभी टाइम हो रहा है, होने वाले हैं 6 और ये जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। 6 मिनट के मुझे 6 बजने वाले हैं, ये जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। तो आप सबको हम सबकी तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक और ईद की नमाज़ के लिए ये जा रहे हैं। मैंने शाल को यहाँ सिलाया, वैसे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और ये शाल की कल की मैचिंग सब मैंने निकाल के रखी हुई, यहाँ जाए थे। अल्लाह हाफिज़। ये शाल मैंने कल की मैचिंग सब निकाल के रखी हुई है। ये शाल का कल का आउटफिट है, देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा सा इसका ड्रेस है। शाल का ट्यूलिप इसकी शलवार है और ये है इसकी शर्ट। मेरी बेटी सूर्य, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसको बहुत तेज़ फीवर हो रहा है। ईद का मौका, इसको फीवर हो रहा है। मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मेरी ईद कैसी गुजरेगी। इसको वही हर 4 आवर्स के टाइम से इसको फीवर हो जा रहा है, इतना तेज़ हो रहा है, इतना तेज़ हो रहा है कि बस खुद भी मेरी बच्ची इतनी परेशान हो रही है और रोई जा रही है। तो बस अभी मैंने इसको यहाँ सला दिया, इसके बाबा नमाज़ पढ़ने चले गए। बस अब मैं भी यहाँ सोने की तैयारी कर रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह निकालूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सबको सबसे पहले हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और आज हम लोग आए हैं ईद का फर्स्ट डे है, तो हम लोग आए हैं बाहर डिनर करने के लिए। तो मैं ये मतलब हमारी फैमिली ईशान, हम पूरा डिनर करने आए हैं महाराजा रेस्टोरेंट। तो अभी हमने यहाँ खाना ऑर्डर कर दिया है, तो बस अभी 20 मिनट्स लगेंगे हमारा खाना आने वाला है। इसको ये चाहिए थे, अब्बा बोल रहे मैं पूछे क्या तोड़ तोड़ कर लेकर आऊँ आपके लिए। इशू का आज का आउटफिट देखें, ये जितनी बड़ी होती जा रही है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग करने ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। आज तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, पूरी रात इसको गुस्सा आ रहा है, पूरी रात इसको फीवर हुआ। मैं इसको लेकर बैठी हुई थी, मेडिसिन दे रही थी, तो बस यही चला है पूरी रात मेरे साथ। चलो माशाल्लाह, मेरी बेटी को तो देख ले, हमेशा पारू पारे लग रही है। देखो वहाँ भाव है, देखो इसको बस ये कहने की देर होती है, वहाँ भाव है, कभी भी नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी। अच्छी मामा पाँच भाव 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 भाव। तो गाइस, ईद का दिन है, माशाल्लाह 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 रेस्टोरेंट भी यहाँ काफ़ी हद तक भरे हुए हैं, सब काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ डिनर कर रहे हैं। अब यहाँ का डिनर करने के बाद पता चलेगा कैसा है। तो गाइस, हमेशा की तरह आप लोगों को पता ही है, हम कहीं आए और इंशाल्लाह हमें तंग ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब से आइए, जब से री करिए, ये भी दिलवा दिया, लेकिन उसकी लड़की हमें जीने ही नहीं दे रही है, बहुत तंग करके रखा हुआ है इसने हम लोगों को। हमारा ऑर्डर यहाँ आ चुका है, तो बस अभी खाएंगे, फिर चेक करेंगे कैसा है। हम लोगों ने क्या क्या था, ये चिकन फ्रेडो पास्ता और कटा कट विद बटर, बाकी इसमें है नान, गार्लिक नान। तो बस अभी कब खा के मिलते हैं इनको, तो मैंने निकाल के दे दिया, शाल की गोद में है, इनको इतना तंग कर दिया है, मैंने कहा मैं ही निकाल के दे दूँ, मैंने अपना यहाँ निकाल लिया, तो बस अब खा के मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग घर आ गए थे और इतनी जल्दी जल्दी में हम लोग घर आए थे कि शाल ने वहाँ इतना ज़्यादा तंग किया था, इतना ज़्यादा तंग किया था कि मुझे उतनी भी उम्मीद नहीं थी इतना तंग करेगी, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी री, क्योंकि उसकी ज़रा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो बस आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, यहाँ तक कि मैंने हम लोगों ने सही से खाना भी नहीं खाया, अब मैं लेके बैठी हूँ, देखें पास्ता मैं खाऊँगी यहाँ पास्ता। तो बस आज के ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को चाहे जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी आ जाए मेरे साथ ही पास्ता इन्जॉय करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं खाया है, शाल ने इतना ज़्यादा तंग किया, पहला दिन ही ईद का बहुत बुरा गुजरा, इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी हद तक तंग करेगी, इतना भी नहीं सोचा था मैंने। तो बस अभी मैं यहाँ खा रही हूँ पास्ता, बस शदीद की भूख लग रही थी।